अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वलीद और इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे आप व्हाट्सएप कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, आप बड़ी ही आसानी के साथ व्हाट्सएप कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना है और कहीं से भी इसको स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी और आप अपनी व्हाट्सएप कॉल्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानब और जान लेते हैं कैसे आप व्हाट्सएप कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है क्यूब ACR। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, जैसे ही आपने क्यूब ACR सर्च किया तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन आ गई, कॉल रिकॉर्डर क्यूब ACR। इस पर आपने क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एग्री का ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने ग्रांट परमिशंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने परमिशन दे देनी है, जितनी बार भी आपसे परमिशन मांगी जाए। उसके बाद दोस्तों, आपने इनेबल ऐप कनेक्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन को जब ऑन कर लेना है। यहाँ पे आप देखिए क्यूब ACR ऐप कनेक्टर का ऑप्शन मौजूद है, आपने इस पर क्लिक करना है और इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने बैक आना है और बैक आने के बाद यहाँ पर आप देखें ओके कंटिन्यू का ऑप्शन मौजूद है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है इग्नोर के ऑप्शन पर, और उसके बाद आपने नो थैंक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने ओके गॉट इट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फोन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपल आपने बैक आ जाना है। दोस्तों, अब आपने क्या करना है, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तीन लाइंस वाला ऑप्शन मिल रहा है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मौजूद है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो फ़ोन कॉल क्लियरिटी इम्प्रूवमेंट, इसको आपने जो है वो मैक्सिमम कर लेना है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नोर VOIP रिकॉर्डिंग, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं VOIP रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को आपने ऑन कर लेना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर आई अंडरस्टैंड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका काम जो है वो हो चुका है। अब हम मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट्सअप कॉल जब हम किसी को करेंगे तो क्या वो रिकॉर्ड होती है या नहीं होती। जी दोस्तों, मैं आ चुका हूँ व्हाट्सअप के अंदर। अभी किसी एक बंदे को मैं कॉल करता हूँ, तो मैं यहाँ पर किसी एक बंदे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो है वो ऑप्शन आ चुका है, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो जब मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा तो सिंपल मैं किसी भी बंदे को कॉल करूँगा या आप किसी भी बंदे को कॉल करेंगे तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी की सारी बात जो है वो समझ आ गई है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मैं हूँ वलीद, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।